हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइहल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेरी फंक्शन के बारे में कि क्वेरी फंक्शन आप गूगल शीट में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेरी फंक्शन के बारे में। तो जिसके लिए यहाँ पर देखिए एक सैम्पल डेटा मैंने तैयार किया हुआ है, जहाँ पर कुछ नेम ऑफ स्टूडेंट हैं, उनके सब्जेक्ट हैं और उनके मार्क्स हैं। अब क्वेरी फंक्शन का हम लोग एक्सेल में सॉरी गूगल शीट में यूज क्यों करते हैं, इसका यूज क्या होता है। सपोज करो अभी इसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ नेम ऑफ स्टूडेंट हैं और उनके सब्जेक्ट हैं, उनके मार्क्स हैं। अभी हमें जानना है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ठीक है टोटल स्टूडेंट कितने हैं। सपोज करो हम चाहते हैं कि हिंदी हो या इको हो या सोशियोलॉजी हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो इसके अंदर हमें उन स्टूडेंट का टोटल रिकॉर्ड चाहिए, या एक तरह से कह सकते हैं आप कि उनका पूरा डेटा हमें चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हमें कोई डेटा चाहिए होता है तो उसमें से हम क्या है डेटा को फिल्टर करके उसको हम फिल्टर वाइज करके वो डेटा को अलग करते हैं। लेकिन क्वेरी फंक्शन के थ्रू आपको न डेटा कॉपी करना है न आपको फिल्टर करना है, जस्ट आपको एक क्वेरी का फंक्शन यूज करना है और उसके थ्रू आप देखिए पूरा का पूरा डेटा जो आपको नीड है वो आपको वन टाइम में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे हम इस क्वेरी फंक्शन का गूगल शीट में यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारा डेटा ये है तो मैं आपको इस शीट पर समझाऊंगा कि कैसे हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आपको डेटा में से एक्चुअली चाहिए क्या, ठीक है। तो अभी मैं ये चाह रहा हूं कि जो हिंदी का जो सब्जेक्ट है ठीक है उस सब्जेक्ट के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके टोटल ये मार्क्स हैं। तो एक तरह से हमें हिंदी का डेटा चाहिए इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, सेकंड शीट में आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे क्वेरी। तो क्वेरी जैसे ही आप यहाँ पर इंटर इक्वल टू करके थ्रू आप इसको जब यूज करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये पूछता है हमसे डेटा कि जिस डेटा में से आपको क्वेरी फंक्शन यूज करना है। तो डेटा हमारा है ये वाला, ठीक है। तो हम इसको पूरा यूज यहां सेलेक्ट कर लेंगे, देन फिर ये बोलता है कि सेलेक्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट के अंदर हम यहां पर लिखेंगे सेलेक्ट। अब सेलेक्ट हमें करने पड़ेंगे यहां पर कॉलम, तो हम कॉलम ले लेते हैं यहां पर। इसको मैं थोड़ा सेलेक्ट हम क्या करेंगे, पहले हम कॉलम ले लेंगे ए देन बी देन डी। अब हमें सी कॉलम में से हमें चाहिए हिंदी का सब्जेक्ट, तो हम यहां यूज करेंगे वेयर सी इक्वल टू दिस हिंदी कॉमा एंड डबल इनवर्टेड कॉमा, और इसको हम यहां कर देंगे क्लोज। अब देखिए इसने हमें वो रिजल्ट दे दिया कि हिंदी के अंदर ये वो स्टूडेंट हैं जिनका ये रिकॉर्ड इसने हमें यहां निकाल के दिया। तो मैं इसको थोड़ा सही से करके आपको थोड़ा बता दूं कि इसने कैसे काम किया इस फंक्शन ने। तो हम पहले यहां देख लें कि हिंदी के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं। मैं इसको यहां पर कलर कर लेता हूं, ठीक है। मैंने ये यहां पर कर लिया कि टोटल जो हिंदी के अंदर है टोटल स्टूडेंट का जो है वो इतना रिकॉर्ड है, ठीक है इतना। और हम यहां देखें तो यहां भी देखिए सेम वही है। तो अभी इसने क्या काम किया, हमने क्या किया पहले क्वेरी शीट पे हमने यूज किया, पहले हमने सारा डेटा यहां पर सिलेक्ट कर लिया जितना भी ये था यहां से लेके यहां तक, ठीक है। देन हमने यहां यूज किया है सेलेक्ट किया है हमने कॉलम ए बी और डी। तो कॉलम हमारा कौन सा है, ए कॉलम हमारा ये है, बी है और हमने लिया है यहां पर डी। हमने क्या लिया है सीरियल नंबर सेलेक्ट किया, नेम ऑफ स्टूडेंट वाला डेटा सेलेक्ट किया और मार्क्स वाला किया, ठीक है। देन हमने यूज किया है यहां पर, अब हमने यहां लगाई है कंडीशन वेयर सी। सी इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो डेटा है
वो हिंदी का इस कॉलम में, सी वाला कॉलम में। तो हमने यहाँ कंडीशन लगाई है कि वेयर सी इक्वल टू हिंदी, यानी कि जहां पर हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो डेटा हमें यहाँ पर मिल जाए। तो हमने क्या किया इसमें कि हमने यहाँ पर कॉलम ए बी एंड डी सेलेक्ट किया है, सी इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें सी का डेटा वहां चाहिए। तो वहां पर हमने यूज किया है वेयर सी इक्वल टू हिंदी। तो इसने क्या किया, हिंदी का डेटा है पूरा हमें यहाँ निकाल के दे दिया। तो आपको हमेशा ये याद रखना क्वेरी फंक्शन के अंदर, जिस डेटा की आपको रिक्वायरमेंट है उसको आपको सेलेक्ट नहीं करना। जैसे मैंने किया, देखिए यहाँ पर कॉलम तो चार हैं, ए बी सी डी, बट मैंने क्या सेलेक्ट किया, ए बी एंड डी, सी को मैंने छोड़ दिया क्योंकि सी का मुझे डेटा वहां पर चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं यहां पर, अगर मैं यहां लिख दूं ई को, तो ई को मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो आप ये देख रहे होंगे ये ई क्यू के अंदर इसने बताया हमें इतने रिकॉर्ड है टोटल। मैं अगर काउंट करूं इनको, मैं थोड़ा इसको सही से ऑर्गेनाइज कर दूं, ये टोटल रिकॉर्ड इसने बताया कि जो ई क्यू के अंदर है। अभी टोटल रिकॉर्ड है आपके, सम हो रखा है, इसको हम यहां से काउंट करते हैं तो टोटल है 14 रिकॉर्ड। चलिए देखते हैं कि हमने इसे रिजल्ट दिया और सही दिया कि नहीं दिया। तो ये हो गया आपके चार, ठीक है, देन यहां हो गए हैं, ठीक है, टोटल होना चाहिए 14 रिकॉर्ड। अब हम चेक कर रहे हैं इसको क्योंकि ये जो क्वेरी हमने यूज किया फंक्शन, क्या ये करेक्ट है। तो अब हम इसको थोड़ा इनका दे लेते हैं, आप फिल्टर लगा के भी इसको दे सकते हैं, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं। तो इको के हमने यहां पे देखिए, यहां पर हैं चार ही हो गए हैं, छह चार दस और चार ही हो गए, तो टोटल आप हो गए हमारे यहां पर 14। तो आप देख रहे होंगे ऑलरेडी यहाँ 14 ही आ गया। तो इसने हमें क्या दिया, हमने वहां पहले हिंदी रखा था, अब हमने इको रखा था। तो एक तरीका तो क्वेरी का यह है कि जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम से कोई भी डेटा उसमें से ले सकते हैं। सेकंड क्या है, इस पर आप इसको कई तरह से यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ उसका। सपोज करो हमने क्वेरी यूज किया, डेटा हमने सेलेक्ट कर लेंगे दोबारा इसको, अब हमें कोई इसमें से पर्टिकुलर डेटा कोई लेना है कुछ भी कॉलम का, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो हमेशा ये देखिए क्वेरी के अंदर आपको पहले तो पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट मीन्स जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सेलेक्ट हम इसलिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जो कॉलम ए और बी का डेटा वो खाली मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर ए एन कॉमा, ठीक है, डबल इनवर्टेड कॉमा, और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए अब इसने क्या किया, ये आप देख रहे होंगे कि अभी हमने यहाँ कंडीशन क्या यूज किया है कि डेटा हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और सेलेक्ट हमने यहाँ पे किया है ए और बी कॉलम। तो देखिए यहाँ पर ई और बी कॉलम सेलेक्ट किया, तो उसके अंदर यहाँ पर देखिए कि ए और बी कॉलम का ही इसने हमें वहां डेटा दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर दूं, लाइक मैं अगर करूं सी एंड डी, तो देखिए यहाँ पर इसने खाली सब्जेक्ट और मार्क्स का ही यहां पर डेटा हमें दिया। अब इसको आप चाहे यहां से बोल्ड कर सकते हैं। तो ये जो क्वेरी फंक्शन है ये गूगल शीट में इसका बहुत ही यूज होता है और ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। इसको आप अपने तरीके से जिस तरह से भी आपको नीड है उस तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिखाया, पहले तो हमने एक डेटा इसमें से पर्टिकुलर कोई लिया, जैसे हिंदी का हमें चाहिए था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड हमने क्या है इसमें कॉलम के थ्रू भी इसको ले सकते हैं। तो इसके यूज करने के तरीके बहुत सारे हैं, बशर्ते आपको इसका यूज एक्चुअली किस चीज के लिए करना है वो आप पर डिपेंड है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेरी फंक्शन पर बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।